हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनल प्लानिंग, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पर्टिकुलर सेगमेंट है, और इसका सिलेबस आपको अच्छे से मालूम होगा कि इसमें रीजनल प्लानिंग हमें क्या क्या बात करनी होती है। इसमें हम उस सिलेबस के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ उसमें बात करनी है, कि रीजन की डेफिनेशन क्या है और रीजनल प्लानिंग का रोल क्या है। इसी के साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रीजन के, वो क्या क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। अब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेनली जो चीज़ यहाँ पे काम करेंगी वो है आपका जो आपको सामने दिख रहा है डेफिनेशन, इसकी जो है ये आपको क्लियरली यहाँ से दिख रही है, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या इसका यहाँ पे सेंस है टॉपिक का। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। तो रीजनल प्लानिंग में इतना ही चीज़ आपको देखना है, और मेनली जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक, वो आपका एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ से पुट करना है, वही काम आएगा। रीजन क्या होता है, रीजन को आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज़्यादा इस पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको कुछ वर्ड उसमें आना चाहिए कि ये आपका एक डिस्टिंक्टिव एक असेंबलेज होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसमें होती हैं, डिस्टिंक्टिव होता है वो, क्योंकि अदर रीजन में वो चीज़ें जो है वो डिस्टिंक्ट होती है। तो डिस्टिंक्ट एक वर्ड यहाँ पे आपको लेना है। इसमें फिर दो चीज़ें हैं, एक तो फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा है आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो फिजिकल प्लस ह्यूमन, अब इसको आपको इंटरलिंक कर देना है, क्योंकि जब रीजनल प्लानिंग करेंगे तो फिजिकल की वजह से उस पर रेस्पॉन्स ह्यूमन का होगा, तो ह्यूमन का रेस्पॉन्स और जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनका वहाँ पे जो है रोल, इन दोनों की जब बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव असेंबलेज को बोलेंगे रीजन, ठीक है। फिर जब रीजन की बात आती है तो वहाँ पे कल्चर भी होती है, तो उसको कल्चरल लैंडस्केप है। तीन वर्ड हो गया, डिस्टिंक्टिव असेंबलेज, कल्चरल लैंडस्केप और आपका मेन नेचर रोल जो है इन्वायरमेंट का, आपका ह्यूमन जो रेस्पॉन्स है, इन तीन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है और डेफिनेशन की बन जाएगी। अब रीजन में परेशानी क्या आती है, रीजन की कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे उसकी एक बाउंड्री होती है, उसे एक लैंडस्केप होता है, दो चीज़ें होती है, और इसके साथ में आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का बाउंड्री के बेसिस पे हो सकता है, उसके नेचुरल फिनोमेना है उसके बेसिस पे है, और जो आपका है ह्यूमन इंट्रैक्शन है, जैसे माइनिंग है, ठीक है, माइनिंग के साथ साथ में आपका माइनिंग के अलावा और कोई इंडस्ट्री है तो वो भी एक रीजन हो सकता है, इंडस्ट्रियल बेसिस पे इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है, तो इन चीज़ों के बेसिस पे रीजन हो जाएगा। रीजन का क्लासिफिकेशन आपको अलग से एक पॉइंट बना लेना है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में ये आपके सामने लिख रहा है इस पेज पे, नेचुरल रीजन होते हैं, ज्योग्राफी के रीजन होते हैं जिसमें आपका कुछ एलिमेंट होते हैं ज्योग्राफी वाले, जैसे कि आपका प्लेट्यू है, प्लेन है, ठीक है, आपके जो कोस्टल प्लेन है या माउंटेनस रीजन है, ये आपके ज्योग्राफी वाले हो गए, ठीक है। नेचर में भी यही एग्जाम्पल लगभग आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन नेचर में अपन मेन मेन डाल देंगे माउंटेन वाला है ये चीज़ें, जबकि ज्योग्राफिकल में आपका जो है इसमें आपका कुछ टोपोग्राफिक फीचर स्पेसिफिक जो है, जैसे कि आपका डेजर्ट है तो प्लेन एरिया में तो आता ही है, लेकिन उसको डेजर्ट में आप डाल सकते हैं कि हाँ ये आपका ज्योग्राफिकल हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ कल्चरल एलिमेंट भी जोड़ देता है। फिर एक आपके माइक्रो रीजन होते हैं, तो माइक्रो रीजन में आपको अच्छे से पता है कैंपेज नाम का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, और विटलसी ने उसको बताया था कि ये कैंपेज के बारे में बात करी थी, तो विटलसी का एग्जाम्पल डाल देना है और उसमें बताना है कि ओनली उसके जो एरियल फीचर्स जो है उन चीज़ों की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो एरियल यूनिट जो है उसकी जब बात की जाती है तो उसको कैंपेज बोलते हैं, जिसको माइक्रो रीजन बोलते हैं, और ये विटलसी ने बताया था। दूसरा आपका फंक्शनल, फंक्शनल में क्या होता है आपका, वहाँ पे किस तरह से कोई काम चल रहा है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो फंक्शनल रीजन हो जाएगा। तो नेचुरल हो गया, माइक्रो रीजन हो गया, कैंपोज विटेलसी का एग्जाम्पल, फंक्शनल हो गया, एक नोडल हो गया, नोडल का मतलब वहाँ से अलग जगह के लिए अलग अलग, जिसको हब एंड स्पोक बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हब की तरह जब काम करेगा तो उसको बोल देंगे नोडल, यहाँ से अलग अलग रीजन के लिए सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड की जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका फॉर्मल, अब देखिए फंक्शनल का ध्यान है कि फंक्शनल में उसका फंक्शन क्या है, फॉर्मल में है कि उसमें पूरे रीजन में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी होती है, जबकि फंक्शनल में उसके वर्क के ऊपर है, ठीक है। तो उसमें मेन वर्क क्या है उस पर फंक्शनल नाम कहलाएगा, फॉर्मल में पूरे रीजन की जो यूनिफॉर्मिटी है उसको बोलते हैं फॉर्मल या यूनिफॉर्म रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन की डेंसिटी सेम हो सकती है, लैंग्वेज सेम हो सकती है, रेस सेम हो सकती है, रिलीफ फीचर है, एग्रीकल्चर पैटर्न है, जब वो सब चीज़ें सेम, कोई भी फैक्टर जब सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे फॉर्मल या यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर इसका लास्ट है आपका जो प्लानिंग रीजन है, और प्लानिंग कमीशन ने 15 रीजन आपके बताए थे, फिर और भी आपके जो है ये तो प्लानिंग के हिसाब से बताए थे प्लानिंग कमीशन ने, फिर आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, तो उसकी भी अपन बात करते हैं, कुछ सॉइल वाले जो रीजन है उसकी भी बात करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है अलग अलग आपके अपना जो सिलेबस है ऑप्शनल का, वहाँ पर ये सब चीज़ें चलेंगी, जो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है ऑप्शनल का, ज्योग्राफी ऑप्शनल का, वहाँ पर आती है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ठीक है, तो वहाँ पर अपन वो देखेंगे, ठीक है।
और आपका जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और एक एक दूसरा और जोन है वहाँ पे अपन देखेंगे, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है तो अपन उसको आगे चल के बात भी कर लेंगे। लेकिन प्लानिंग रीजन आपको पता होना चाहिए, मेनली ये छह चीज़ें देखनी है, ज्योग्राफिकल, माइक्रो, फंक्शनल, नोडल, फॉर्मल और प्लानिंग। दो तीन याद रहेगा काफ़ी है, आपको बस दो तीन एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक में ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं है, ये देख लीजिए आप, रीजनल इम्बैलेंस होता है, एक रीजनल डाइवर्सिटी होती है, एक रीजनल डिस्पैरिटी होती है, और एक रीजनल डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है ना, जो डिफरेंस होता है वो चीज़ होती है। इम्बैलेंस, डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है, ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रीजन का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, फिर हम स्टेजेस देखेंगे प्लानिंग की, ये आपको मेन चीज़ें यहाँ पे देखनी है। देखिए रीजनल इम्बैलेंस आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, रीजनल इम्बैलेंस में आपके इंडिकेटर देखिए, इम्बैलेंस है तो आपको डेवलपमेंट की रेट अलग अलग होगी, ठीक है, वहाँ पे पॉवर्टी का जो लेवल है वो अलग होगा, क्रॉप इंटेंसिटी है या इरिगेशन है या पर कैपिटा इनकम है, तो इसके बेसिस पर आपको ये जो इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप रीजन इम्बैलेंस को देख सकते हैं। तो डेवलपमेंट की रेट, पॉवर्टी, क्रॉप का इंटेंसिटी, इरिगेशन और आपका पर कैपिटा इनकम, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। इसके अलावा आप बात करेंगे रीजनल डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पे क्या क्या है इम्बेलेंस में, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में देखते हैं, मतलब एक क्वांटिटेटिव टर्म में देखते हैं, जबकि आपका डाइवर्सिटी जो है आप थोड़ा सा क्वालिटेटिव बेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखा है आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, नेचुरल एलिमेंट्स का, फिर आपका डाइवर्सिटी जो है वो रेस और जेंडर से भी आगे निकल जाती है, ठीक है, ये आपको देखना होगा, वहाँ पे एथनिसिटी है, लाइफ स्टाइल है और आपका जो है एग्रीकल्चर है, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी क्वालिटेटिव चीज़ें आप डालेंगे तो डाइवर्सिटी में आ जाएगा। क्वांटिटी डालेंगे जिसमें पॉवर्टी, इंटेंसिटी, इरिगेशन, पर कैपिटा इनकम, तो इम्बैलेंस में आ जाएगा। डिस्पैरिटी मेन लफड़ा जो होता है अपना समझते हैं, इम्बैलेंस और डिस्पैरिटी का होता है, तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन एलिमेंट का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी, जबकि नॉर्मल जो फैक्टर्स हैं वो है आपके इम्बैलेंस। तो क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो इम्बैलेंस, क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटी, ठीक है। तो ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, और इसमें क्या होता है डिफरेंस होता है आपके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में और वेलफेयर में, क्योंकि आपको वेलफेयर जो करना है रीजन के, जो अलग अलग रीजन है उनके बीच में, तो उसमें डिफरेंस होगा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है रीजन की उसमें डिफरेंस होगा, तो ये जो डिफरेंस है ना ये आपका कहलाता है डिस्पैरिटी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वालिटेटिव टर्म में डिस्पैरिटी और क्वांटिटेटिव टर्म में इम्बैलेंस, बाकी आपका डिफरेंस जो है इसको सिंपल टर्म में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और डाइवर्सिटी जो है ये आपको अच्छे से पता है, आपकी जब रेस, जेंडर ऐसी चीज़ें जो है जब उसमें विविधता पाई जाती है तो उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। आगे चलते हैं स्टेजेस में, स्टेजेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, स्टेज में आपको यहाँ पे पाँच स्टेज दे रखी है, हैशमिट की आपकी यहाँ पे स्टेजेस है 1969 की, ठीक है, ये वही टाइम है जब आपका इसरो वगैरह जो बन रहे होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए उस टाइम पे ही रीजनल प्लानिंग की बातें चल रही थी वर्ल्ड में, और वहाँ पे इतने सारे रीजन जो है आपने दिए गए और यहाँ पे कुछ नाम भी दे रखे हैं आपको जैसे नेचुरल रीजन है, तो एग्जाम्पल्स को याद रखें आप, टेनेसी वैली वाला याद रख लें या फिर आपका दामोदर वैली याद रख लें, वो सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। जारला वैली है आपके JDRL है इसराइल की, यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, या फिर आपका कल्चरल रीजन जो है जिसको ओडेम और वेंस है उन्होंने इसको नाम दिया था कल्चरल रीजन, ठीक है, या फिर आपका है रीजनल जो आपका जो है रीजनल आपका जो साइंस जो मैप है ना उसके बेसिस पे उसको बोलते हैं, वाल्टर रिजार्ड ने दिया था, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है तीसरे नंबर का, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा वाल्टर रिजार्ड का नाम याद रखना है। फोर्थ नंबर पे जो आपका है वो है रीजनल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के परस्पेक्टिव से, उसको एक फोर्थ स्टेज आपकी मानी जाती है, ठीक है, रीजनल प्लानिंग की। और फिफ्थ आपका सिटी या मेट्रोपोलिटन अप्रोच, इसको जॉन फ्रीडमैन ने दिया था। तो दो तीन नाम याद रखना है आपको, ओडामन वेन्स वाला कल्चरल का, और आपका है रीजनल साइंटिफिक अप्रोच जो है आपकी, ठीक है, इसको आप याद रखना है वाल्टर रिजार्ड का, और इसके बाद में आपका जॉन फ्रीडमैन जो है ये आपका मेट्रोपॉलिटन वाला अप्रोच जो है इसके बारे में। वाल्टर रिजार्ड का आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इसमें रीजनल सिंथेसिस जैसी जो चीज़ें हैं ना उनको ध्यान में इस पर रखा गया था, ठीक है, ये है आपका। और कुछ इनके नाम याद रखने हैं, रीजनल वाला, कल्चरल, नेचुरल, और नेचुरल के बाद में कल्चरल, फिर उसके बाद में रीजनल आपका जो है साइंस अप्रोच वाला जो है, इसके बाद में आपका रीजनल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब रीजन इकोनॉमिक है ये साइंस अप्रोच है, और ये आपका लास्ट में जो है मेट्रोपॉलिटन अप्रोच है। हैशमिट ने ये नाम दिए थे, और इस पर्टिकुलर स्टडी जो है ओडामेंस ने कल्चरल पे, वाल्टर रिजार्ड ने आपको पता है रीजनल साइंस वाले अप्रोच पे, जॉन फ्रीडमैन ने मेट्रोपॉलिटन वाले पे करी थी, ये चीज़ आपको ऐसे पता चलती, ठीक है। अब इसके बाद में इतना आपको देखने के बाद में आप देखिए यहाँ पे एक हायरार्की की बात करेंगे, चार चीज़ें अपन यहाँ पे बात करी, क्लासिफिकेशन इस पेज पे और उसका कैरेक्टरिस्टिक, इसके बाद में स्टेजेस, और लास्ट आपका हायरार्की। हायरार्की में देखिए सबसे छोटा रीजन होगा उसका माइक्रो रीजन, देन मेसो रीजन, देन मैक्रो रीजन, तो तीन की हायरार्की आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। तब पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे जब बात करेंगे जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर है तो इसको बोलेंगे माइक्रो रीजन,
ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा माइक्रो रीजन हो जाएंगे देन इट इज़ कॉल्ड मेसो रीजन, एंड इफ टू एंड टू और मोर मेसो रीजन्स आर इंक्लूडेड देन ये कहलाएगा आपका मैक्रो रीजन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रिवर वैली आ जाएगा तो मैसो हो जाएगा, पूरा रीजन आ जाएगा तो आपका मैक्रो हो जाएगा, रिवर वैली से भी आगे चल के छोटा नागपुर प्लेटू है तो आपको मैक्रो रीजन, दामोदर वैली है तो मैसो रीजन, दामोदर वैली में पर्टिकुलर स्टेट आ गया छत्तीसगढ़ का वाला रीजन आ गया तो माइक्रो रीजन हो जाएगा। ऐसे एग्जाम बंदे के अपन उस चीज़ को समझा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एक रीजन का डेवलपमेंट पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले देखिए एक फिंगर प्लान होता है। फिंगर प्लान मतलब कोई रोड निकलेगा यहाँ से, ये जो आपकी जैसे फिंगर्स हैं यहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग फाइव फिंगर आप रखे हैं तो इस फिंगर्स के जो एडजेसेंट जो एरिया है यहाँ पे प्लानिंग होगी उसको बोलेंगे फिंगर प्लान। देन आपके कुछ मल्टी टाउन डेवलप होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे। फिर आपका एक रेडियल कॉरिडोर आपका जो है प्लान फॉर्म में बनेगा। फिर कुछ ये सिटी है तो इसके काउंटर मैग्नेट में एक दूसरी सिटी डेवलप होगी तो इसको काउंटर मैग्नेट बोलेंगे। फिर इस सिटी जो है इसके आसपास में छोटे छोटे टाउन डेवलप होंगे जिसको बोलेंगे सेटेलाइट टाउन। जैसे सेटेलाइट है अर्थ का मून, ठीक है, तो इसके कंपेयर बहुत छोटा है लेकिन इससे अटैच है, ठीक है, तो इसकी डिमांड जो है प्राइमरी सेकेंडरी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब इस सिटी रीजन पर डिपेंड करती हैं तो इसलिए इसको सेटेलाइट टाउन बोलते हैं। तो ये डेवलप होगा तो आप ये ध्यान रखें। इसके बाद आपका एक एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेंटर डेवलप होगा, जैसे हैदराबाद निजामाबाद वगैरह है तो धीरे धीरे बड़े होकर एडिशनल हो जाते हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो आप ध्यान रखें फिंगर प्लान डेवलपमेंट पैटर्न याद रखना है किस तरह से होते हैं। तो आपका फिंगर प्लान होता है या फिर मल्टी टाउन होता है या रेडियल कॉरिडोर होता है या काउंटर मैग्नेट सेटेलाइट या फिर एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेंटर, ये आपके ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ प्लान्स की बात करेंगे तो टाइप ऑफ प्लान में आप देखिए किस तरह से होता है। यूटिलिटी के बेसिस पर यूटिलिटेरियन प्लान होता है, ये आपको सामने देख रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे कि वाटर सप्लाई के ऊपर ही बात करनी है तो IGNP वाला रीजन जो है वो बात चलेगी वहाँ पे, तो आपका यूटिलिटेरियन हो जाएगा वाटर सप्लाई के ऊपर। फिर है सेक्टोरल, सेक्टोरल का मतलब है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर तो आपका वेस्टर्न राजस्थान जो है वो एग्रीकल्चर आपको करना है तो आपका जो है क्यूमिन सीड जैसे जीरा वगैरह जो है ये वहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्रॉप्स भी वहाँ पे होती हैं। ठीक है, इसबगोल वगैरह है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पल्सेस वगैरह जो है ये वेस्टर्न राजस्थान में होती है। तो IGNP के पूरे रीजन को जब सेक्टर की बात करेंगे एग्रीकल्चर की, ठीक है, IGNP की बात करें तब तो एक यूटिलिटी है वाटर की, तो ये बात हो गया यूटिलिटेरियन। सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टोरल हो जाएगा एग्रीकल्चर। इसके बाद में आ गया कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव में आपका पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात वहाँ पे जब की जाएगी ना पूरे रीजन पे अफेक्ट डालने वाली, जैसे पावर सप्लाई अलग अलग रीजन को फर्क डालेगी, हो एयर ट्रांसपोर्टेशन है तो अलग अलग रीजन पे इफेक्ट डालेगी, तो सेक्टर्स पे इम्पैक्ट डालने वाली जो चीज़ें हैं ना उनकी जब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाती है इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्लान। फिर आपका है स्मॉल स्केल और आपका लॉन्ग टर्म प्लान जो है छोटे लेवल पे लंबे टाइम के लिए जो होता है, तो टाइम बेसिस जो है उसको बोलते हैं अपन ये वाला प्लान। ठीक है, फिर आपका है पब्लिक प्राइवेट एरिया वाला जो है, फिर आपका स्पेशल प्लान जो प्लान्स जो है, ये आपका इतने सारे टाइप्स होते हैं प्लान के, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हायरार्की बात कर ली, क्लासिफिकेशन बात कर लिया, स्टेजेस बात कर ली, ये चीज़ आपको मेनली यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पेज पे चलते हैं। रीजनल आपका यहाँ पे है ज्योग्राफर्स है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना देखना है किस तरह से ये जो ज्योग्राफर के नाम आपको एग्जाम में पुट करने हैं, क्योंकि आपका जो नेम ड्रॉपिंग वाला जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा वर्क करता है इधर, तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से आदमी को कहाँ पर आपको डालना है। कुछ नाम याद रखें आप, जैसे आपका बेंटन मकाए है जो आपका, इसको आप ध्यान रखना है, जिसने आपका जो है इसकी बुक थी लॉन्ग टेल ऑफ द साउथ ईस्ट। फिर आपका पैट्रिक एम्बरक्रॉमी जो आपका ब्रिटेन का टाउन प्लानर था। इसके बाद आपका क्लियरेंस पेरी है, तो क्लियरेंस पेरी का नाम याद रह जाए तो प्लानिंग याद रख सकते हैं। या इसके बाद में आपका एबिंजर हावर्ड, जिसने गार्डन सिटी कंसेप्ट दिया था, तो गार्डन सिटी ऑफ टुमारो नाम से इसकी बुक है, पेपर इसने पब्लिश किया था, बुक इसकी जो गार्डन सिटी ऑफ टुमारो के नाम से ही इसकी बुक है, ये भी इसी की है। और ये सब जो टाउन प्लानर्स जो है ना ये 19th सेंचुरी के हैं, कि आपकी ईयर यहाँ देख सकते हैं 19th सेंचुरी के हैं। और फिर आपका कॉलिन बुचानन जो है इसके ये जो आगे वाले हैं ये आपके थोड़े से 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के लोग हैं। ठीक है, तो एबिंजर हार्बिंजर हो गया, एबिंजर हॉवर्ड, ठीक है, ये यूके का था। इसके बाद में आपका ली कार्बूजी है, आपको अच्छे से याद है, ग्रिड पैटर्न रेडियंट सिटी का कंसेप्ट इसने दिया था, और स्विट्जरलैंड फ्रांस चंडीगढ़ इन सब की इसने प्लानिंग में हेल्प की थी, या फिर चंडीगढ़ तो इसके पर्टिकुलर गाइडेंस में बनाया गया था। फिर आपका है ASY माटा नाम से है, ये जापानीज था, जापानीज क्या ये तो वाई माटा जो है ना ये तो स्पेनिश था। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1844 से 1920 इसकी ध्यान रखना है कि ये भी आपका 19th सेंचुरी का है। लीनियर सिटी इसने कंसेप्ट दिया था, तो लीनियर सिटी इसका है, बुचानन का ट्रैफिक इन टाउन नाम से बुक है उसकी। रेडियंट सिटी या ग्रिड पैटर्न वाला ली कार्बूजी है। एबिन हावर्ड जो है उसकी आपकी गार्डन सिटी है। ठीक है, क्लियरेंस पेरी जो है उसका आपने देख रखा है, नेबरहुड और कम्युनिटी प्लानिंग नाम से बुक जो है उसमें नेबरहुड कम्युनिटी के ऊपर बात करता है, तो उसके ऊपर ये बुक भी लिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
पैट्रिक एबरक्रॉम्बी है, इसने आपका ग्रेट लंडन जो है उसको एबरक्रॉम्बी प्राम बोलते हैं, उसके ऊपर इसने बात की। और आपका बेंटन मकाई जो है इसका, ये यूएस का है, इसका आपको थोड़ा सा पता हो तो आपका लॉन्ग टेल ऑफ द साउथ ईस्ट, ये इसकी ये बुक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर ये आपके जो लेटेस्ट वाले हैं जो 20th सेंचुरी के मिड हाफ से आगे के हैं, मतलब मिड 20th सेंचुरी की बात की है, ये डेविड हार्वे है, ये ब्रिटेन का है, ये सोशोलॉजिस्ट है वहाँ का, और इसने सोशल जस्टिस एंड द सिटी नाम से बुक लिखी, और इसने इन्फॉर्मेशन सिटी नाम से कंसेप्ट दिया था। तो डेविड हार्वे का नाम आपको वैसे पता होना चाहिए। एडवर्ड लुटियंस है, लुटियंस की दिल्ली आपको अच्छे से मालूम हो, तो दिल्ली का प्लानिंग इसने दिया था। इसमें आपका जो है, इसने इंडियन जो है, इंडियन स्टाइल जो है, इसके बाद में आपका जो कह सकते हैं कि ईरानियन स्टाइल है पर्शियन, उनका मिक्स किया, ठीक है, तो बहुत सारी स्टाइल्स को मिक्स करके इसने बनाया, इसको एडवर्ड एडवर्ड लुटियंस के नाम से इसको आप याद रखें। और इसने आपका जो है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को नया फॉर्म में अडेप्ट किया था, जॉब चार्नोक है, ये कोलकाता सिटी का फादर कहलाता है। इसके बाद में आपका अल्फ्रेड ऑटो हिशरमैन नाम से है, ये आदमी आपको इसका ईयर याद रखना, 1915 से 2012 तक ये चलता है, इकोनॉमिस्ट था ये, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इसने बात करी। तो इसके कुछ मॉडल है, इसको बोलते हैं अपन ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन मॉडल, ठीक है। इसके बाद में आपका इसका जो है ग्रोथ पोल थ्योरी जो है, ये भी हिशरमैन की है, इसको पोलराइजेशन थ्योरी बोला जाता है, ग्रोथ पोल थ्योरी बोला जाता है, ये हिशरमैन का कंसेप्ट है, इकोनॉमिस्ट था, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। इसका बुक भी याद रख सकते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1958 में आई थी। फिर कुछ और आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि रीजनल प्लानिंग में कुछ नेम ड्रॉपिंग आपको चाहिए चाहिए, तो हिशरमैन है। फिर आपका ये जो गुंडेर फ्रैंक जो है, इसका आपको याद नाम रह जाता है, तो गुंडेर फ्रैंक आप देख लो, क्राइसिस इन द थर्ड वर्ल्ड नाम से है, डायनेमिक्स डायनेमिक ऑफ ग्लोबल इसके नाम से है। और गुंडर फ्रैंक का नाम में आपको ध्यान रखना है, गुंडर फ्रैंक का वो है डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी या फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, ये दो कॉन्सेप्ट इसने दिए थे। तो गुंडर फ्रैंक का नाम याद रखें, ये जर्मन का था। फिर रिचर्ड रजिस्टर जो है, इसका है इको सिटी टर्म इसने कंसेप्ट दिया था। फिर आपका फ्रेंकोइस पैरोक्स जो है, पैरोक्स ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी है, तो ग्रोथ पोल थ्योरी पे आपको ऑटो हिशरमैन का नाम याद रखना है, इसने ग्रोथ पोल थ्योरी दिया था। ग्रोथ पोल थ्योरी पे ही बात जो है फ्रांसिस आपका फ्रेंकोइस पैरोक्स जो है, ये आपका फ्रेंच था, ठीक है, और ये आपका एक 19 आपका इकोनॉमिस्ट जो है उस वो था, तो उसने यहाँ पे बात करी, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ की कंट्रीज़ के नाम मैंने जो ज़रूरी थे याद रखने के हिसाब से वो यहाँ पे लिख दिए, इसी जर्मनी का गुंडेर फ्रैंक था, ब्रिटिश सोशलिस्ट आपका डेविड हार्वे था, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए, ठीक है। इसके साथ में आपका जो है जे आर बोडवेली, तो इसको मैं ऊपर एडवर्ड, इसके बाद में जॉब चार्नोक, अच्छा आपको क्लियर नहीं दिखा होगा ना, आप इसको आप देख लीजिए जो मैंने बोला था, उसको यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आपको सामने क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका फ्रेंकोइस पैरोक्स हो गया, और आपको लास्ट दिख रहा है लेमैन तक दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक बात करते हैं। जे आर बोडविले, जे आर बोडविले का नाम याद रखना है, प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग पे इसमें बात करी, बुक थी इसमें, इसकी ये बुक थी, उसमें आपका ग्रोथ पोल थ्योरी जो है इसी भी आगे काम किया था, तो अपने सिलेबस में भी है, पैरोक्स और बोडविले की जो ग्रोथ पोल थ्योरी है ना उस पर बात करते हैं, इसमें अपने आगे मैंने स्लाइड एड की है, तो वहाँ पर इसको डिस्कस भी कर लेंगे कि उन्होंने क्या पर्टिकुलर यहाँ पर बात की है, ठीक है। कोर फेरी मॉडल जो है ये आपका जॉन फ्रिडमैन का है, शुमलेन का आपका जस्ट जो है आपका सस्टेनेबल सिटीज नाम से इसने बुक लिखी, और इसी के ऊपर ये बात करता है, तो शुमलेन का नाम याद रखें। और रीटा ये मान ये जो नाम है आपका मेनली, ये आपका जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो है सिटी प्लानिंग में बात करते हैं, ठीक है। स्टीफन लेमैन है, इसने आपका ग्रीन अर्बनिज्म नाम से यहाँ पे बात करी, ये आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा। इसके और आगे चलते हैं, तो ये आप देख लीजिए, स्टीफन लेमैन के बाद में आपका कैथिंग, ये है आपका कैथिंग किंग, कैनिंग नाम से है, कैनिंग या कैथिंग किंग है, ठीक है। इसने वर्टिकल सिटी कंसेप्ट दिया था, तो किंग नाम से इसको याद रखें, किंग वर्टिकल सिटी, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्तो है, रोस्तो का आपका लीनियर स्टेज थियरी जो है, ये यूएस का डिप्लोमेट था, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्तो, और इसने स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको दिया था, या रोस्तो का जो अपने जो मॉडल्स इन ज्योग्राफी है उसमें इसके बारे में पूछा जाता है, डब्ल्यू रोस्तो का जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, तो वहाँ पे इसकी 5 स्टेजेज हैं। तो बुक का नाम याद रखें, वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें इसने बात करी थी। फिर आपके यहाँ पे जो बोडविले और पैरोक्स जो है ना, ये रहे ऊपर जो अपन ने बात करी, यहाँ पे पैरोक्स बोडविले, तो इसकी यहाँ पे ग्रोथ पोल थ्योरी की बात करी, तो बोडविले की बुक का नाम याद रखें आप, यदि प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है ऑप्शन में इस बुक को यहाँ पे मेंशन करने से, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखें आपकी जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी ना, उसमें जब ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में बात की जाती है ना, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में पैरोक्स की थ्योरी को, तो वो बोडविले ने काम किया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ग्रोथ पोल थ्योरी पे ये सब लोग काम करते हैं। दो है जो है, पैरोक्स है और बोडविले है वगैरह, ये लोग हैं। वाल्टर रिचार्ड जो है लास्ट में आपको देखना है यहाँ पे, वाल्टर रिचार्ड 1919 से 2010 तक है। वाल्टर रिचार्ड के ऊपर ने पहले लास्ट में जो बात भी किया, तो आपसे उसको रिकॉल करें किस बात पर बात की है। वाल्टर रिचार्ड ने आपका ये प्रिंसिपल फाउंडर है रीजनल साइंसिस का, ठीक है। रीजनल साइंस जो है तो इसका मेन फाउंडर जो है ये माना जाता है, और इसने आपका जो पीस साइंस नाम से डिसिप्लिन जो है, विधा जो है पढ़ने की, उसका भी इसने बात करी थी, ठीक है। इसकी बुक है मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस, ये थोड़ा सा आपको पता होगा यहाँ पे चाहिए। फिर कुछ इंडियंस के नाम यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे उससे पहले आप ये देख लेते हैं, ये कुछ है थीरीज जो है मैंने अलग से लिखा है। आपका गुरनार मिडाल जो है, इसने कम्युनिटिव कैजिशन थ्योरी जी थी। ई एम रोजर्स जो है, इसने आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल दिया था, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। और आपका जो ये है वेजली लियोंटिफ, इसने इनपुट आउटपुट थ्योरी दी थी। क्लार्क जो है, इसने आपका सेक्टर मॉडल दिया था। पॉल क्रुगमैन जो है, इसने आपका न्यू ट्रेड थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसको नोबेल भी मिला हुआ है इस चीज़ के ऊपर, पॉल क्रुगमैन को, ठीक है। और इकोनॉमिक स्केल है, इस पर काम किया था पॉल क्रुगमैन ने। तो न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रुगमैन की याद रखें, क्लास सेक्टर थ्योरी याद रखें, इनपुट आउटपुट से वेजली लियोंटिफ को। ई एम रॉजर्स जो है, इसने आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल, ठीक है। और आपका जो हैगरस्टैंड जो है ना, उसने भी इसी पे काम किया था, डिफ्यूजन इनोवेशन मॉडल पे बात किया था, लेकिन जो भी पर्सपेक्टिव में आपका ई एम रॉजर्स ने काम किया था, ठीक है। गुंडा मिडाल का कम्युनिटी पोजिशन थ्योरी ने बात किया, इस थ्योरी को दिया मतलब गुंडा मिडाल। अब यहाँ पे देखिए आगे जो शेष है, शेष की कुछ बुक है, एंड ऑफ पॉवर्टी है, कॉमनवेल्थ है, प्रिंसिपल सिविलाइजेशन है। तो पॉवर्टी कॉमनवेल्थ और सिविलाइजेशन, मतलब जो कॉलोनाइज रीजन थे ना, उनके ऊपर जब बात करिए तो शेष ने बात की। फिर एडम स्मिथ की बुक आपको बताई है, ये इसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट नाम से इसने थ्योरी दी थी। इसकी बुक आपको एडम स्मिथ की पता ही है, ठीक है, तो उसको आप याद करें। और आर पी मिश्रा है, इसकी ग्रोथ फोकाई थ्योरी जो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी बुक है ग्रोथ पोल एंड सेंटर इन अर्बन प्लानिंग इन इंडिया इन 1971, तो ये आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसने 5 टीयर हायरार्की यहाँ पे दी थी आर पी मिश्रा। तो आर पी मिश्रा का PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ UPSC में, आर पी मिश्रा की जो अर्बन प्लानिंग जो है उसमें जो इसकी हायरार्की जो है, अर्बन हायरार्की, उसके बारे में पूछा हुआ। तो यहाँ पे इसका आप नाम देख लीजिए, सेंट्रल विलेज, सर्विस सेंटर, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, और ग्रोथ आपका जो है ग्रोथ पॉइंट, सेंटर पोल, ठीक है। तो PCP याद रखें, ग्रोथ पॉइंट, ग्रोथ सेंटर, ग्रोथ पोल। जैसे पहले स्टार्टिंग में जो है आपका वो है, आपका यहाँ पे देख लीजिए विलेज है, इसको सेंट्रल विलेज बोलते हैं, फिर सर्विस सेंटर। तो सेंटर सबसे पहले है, सेंट्रल विलेज और सर्विस सेंटर, फिर आपका ग्रोथ से नाम चालू रख देता है, पॉइंट सेंटर पोल, ठीक, ये बात किया था। फिर आपका है पी पद्मनाभन है, इसकी बुक का नाम है रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट, और इसने वर्क किया पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर ही बात की। अशोक मित्रा का क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ PYQ में UPSC ने, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि इंडियन मार्क्सिस्ट था, इकोनॉमिस्ट भी था, पॉलिटिशियन भी था, और कोलकाता डायरी नाम से इसने बुक लिखी, और एक चाइना इश्यूज इन डेवलपमेंट नाम से भी दो बुक लिखी अशोक मित्रा ने। इसके ऊपर अर्बन प्लानिंग के ऊपर इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा एक SP चटर्जी है, इसने सजेस्ट किया था मेघालय का नाम जो है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा इन लोगों का। और इंडियन का कुछ कोट कर देना है कि अर्बन प्लानिंग में इन लोगों ने कुछ बात करी, अशोक मित्रा ने बात की और SP चटर्जी ने बात करी, पी पद्मनाभन ने बात करी पॉवर्टी एलिवेशन पर इस पर, ठीक है। और इसका आपका आर पी मिश्रा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी चीज़ आपको यहाँ पे चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे तो बात करेंगे मेथड ऑफ डीलिंग रीजनल इम्बैलेंस। अब रीजनल इम्बैलेंस को डील करने के तरीके हैं, जो मेथड क्या क्या है यदि इनकी बात करी जाए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक तो है आपका नाम आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला है समेशन ऑफ रैंक, इसमें आपका सभी यूनिट जो है उनको एक रैंक, पहले तो सबसे पहले हायरार्की में उनको रखा जाता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, पॉपुलेशन का बेसिस हो या फिर उनका ज्योग्राफिक फीचर जो है उसकी साइज का बेसिस हो, किसी भी चीज़ पर उनको एक हायरार्की रखी जाती है, फिर उनका जो है रैंक अलॉट की जाती है, फिर उनको वहाँ पे इसके बाद में उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो रैंक अलॉट करके उनका जो समेशन है कुछ रीजन का, उनको सम करके एक अलग से बड़ा रीजन बनाया जाता है, ठीक है, उनको फिर स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से वो जो है आपका डील किया जाता है रीजनल इम्बेलेंस को, तो समेशन ऑफ रैंक हो गया। देन दूसरा है आपका क्वार्टाइल मेथड, क्वार्टाइल इंडेक्स, इसमें क्या है कि आपका 0 से लेके 100 तक का होगा, एक स्टैंडर्ड बना देंगे, फिर यहाँ पे आपका 4 क्वार्टर बना देंगे, और इनकी इसके बेसिस पर उसका क्वार्टाइल जो आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ, क्वार्टाइल किस तरह से 4 हिस्से किए जाते हैं किसी चीज़ के, किसी डेटा के, तो क्वान्टिटेटिव मेथड क्वार्टाइल इंडेक्स है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका रेंज कैटेगराइजेशन आपका जो है मेथड है, ये भी काम करता है, जिसमें आपका डेटा जो है एरियल यूनिट का उनको अरेंज किया जाता है 3 में, हाई, मीडियम, लो, और उसके बाद में उसकी स्टडी की जाती है, तो इसको रेंज कैटेगराइजेशन बोला जाता है। फिर आपका है डेप्रीब्यूशन इंडेक्स, इसमें क्या है आपका वही है हाई मीन माइनस रियल मीन, और आपका जो है
जो रियल मीन है उसमें से आपका जो है लोएस्ट मीन, इन चीज़ों का आपको देखा जाता है। ये मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट मीन नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट माइनस रियल और रियल माइनस लोएस्ट ये होना चाहिए, ये होगा आपका डेप्रिवेशन इंडेक्स। लास्ट आपका ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे देखा था आपको, ये रहा प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, ठीक, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस तरह से कुछ डील किया जाता है, दो नाम याद रख लेंगे यहाँ से बहुत है, समीशन ऑफ रैंक और क्वार्टाइल या रेंज कैटेगरीशन, इतने से आपका काम चल जाएगा प्लानिंग में, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही। अब देख लीजिए यहाँ पे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यहाँ पे आपको इसमें कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है, आपको सामने ये दिख रहा है, इसका आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्टडी कर लीजिए इसको, ठीक है, इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको आपके सामने इसको बोलूँगा ही, आपको वहाँ से सुन लेना है और इतने में आपका काम यहाँ से हो जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो बात करेंगे ना यहाँ पे, वो दिखा दूँ आपको कि पहले जो है आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट बात करेंगे, उसको बोलते हैं CDP, ठीक है, ये आपका फोर्थ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था, उस टाइम पे बात चल रही थी। फिर आपका HEDP है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान, वो भी आपका फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आया था, ठीक है। इसके बाद आपका है वाटरशेड मैनेजमेंट जो है WMD उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे उसकी बात करेंगे। फिर आपका ड्रोट प्रोन एरिया डेवलपमेंट है उसकी भी बात करेंगे। ड्रोट प्रोन के बाद आपका ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान है उसकी बात करेंगे, ट्राइबल एरिया में कैसे होता है। आपका IRDP है, इसके बाद में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान। आपका ज्योग्राफी ऑप्शन का सिलेबस खोल लीजिए, टॉपिक्स जो बोल रहा हूँ उसको आप सीरियल वाइज मैच कर लीजिए, यही अपने टॉपिक्स हैं, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह हम आपको दुनिया भर का कचरा कराएंगे, ठीक है, समझाने के लिए, समझ आपकी, मैं बिलीव करता हूँ आपकी इतनी समझ तो विकसित है कि आप इतना काम कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें समझने के लिए आपको कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, ईमानदारी से अखबार पढ़ने की जरूरत होती है, तो जब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। और जो लोग राजस्थान या फिर गुजरात या ऐसे कुछ रीजन से जहाँ पे सब तरह की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जब मिलती है ना, तो वहाँ पे तो ये सब तरह के प्लान वहाँ पे वर्क करते हैं, तो सब चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है आपका आइलैंड रीजन का, उसकी भी हम बात करेंगे इसमें। फिर प्लानिंग फॉर बैकवर्ड एरिया जो है उसकी हम बात करेंगे कि वो आपका फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है 74 से 79, वहीं पर आया था, तो उसमें बैकवर्ड एरिया प्लान में आपका तीन जो थे आपका, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। आपका हिल एरिया था, इसके बाद आपका जो है DADP था, DPAD था, इन तीनों की यहाँ पे बात करते थे, ये आपका बैकवर्ड एरिया में आ जाता है। फिर हमारे एक्सपीरियंस क्या रहे रीजनल प्लानिंग में, क्योंकि हमारे रीजनल प्लानिंग जो हमने करी तो पहले प्लानिंग कमीशन ने करी, फिर आपका जो है आपका नीति आयोग आ गया, तो इसमें आपका अलग अलग तरीके की थी प्लानिंग, तो आपको वहाँ पे देखना है। फिर मल्टी लेवल है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इंडिया में है, किस तरह से काम करी, इफिशेंसी क्या रही, उनकी रिजल्ट क्या रहे और आगे क्या क्या उनमें जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ पर हमें देखना है, ये आपको वहाँ पे देखना है। इसके बाद में इवोल्यूशन जो है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का, उसको आपको देखना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो वही आपका इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहले एग्रीकल्चर पर ग्रोथ हुई, तो वहाँ से आपको देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया, तब आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और फिर इन रीजन को अलग अलग से देखा गया, तो आपका फोर्थ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है ना, वहाँ से आपका इन चीज़ों पर बात करी गई। और जो आपका जो आपने बलवंत राय मेहता कमेटी जो सुनी होगी, ठीक है, वो सबसे पहले जब आपका फाइव ईयर प्लान की बात की जाती है, तो उसका मेन काम जो है फाइव ईयर प्लान नहीं, पंचायती राज के लिए जब वो सजेशन देता है ना थ्री लेयर प्लानिंग पे, थ्री टायर प्लानिंग पे, तो उसका मेन काम जो होता है उसको यही होता है आपका जो CDP प्लान जो होता है ना, इसकी इम्प्रूवमेंट जो है इसमें, मतलब इसके रिजल्ट क्या है उसके ऊपर उसको एनालिसिस करना था, उसके ऊपर उसको बनाया जाता है, बाद में उसकी सजेशन आती है कि थ्री लेवल उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पंचायती राज 1960 वाला जो चल रहा होता है, बलवंत राय मेहता वाली कमेटी, वो सेटअप की जाती है किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। फिर आपका रीजनल इम्बेलेंस है, डिस्पैरिटी है, जो हमने बात करी है उसकी कुछ बेसिस है उनको हम देखेंगे, प्रॉब्लम क्या क्या है डिस्पैरिटी, ठीक है। इसके बाद में आपका है इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है रीजनल प्लानिंग में, और प्लानिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से वर्क करेगा। इसके बाद में और जो चीज़ें हैं आपका कि कुछ इनके लिए मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और जो है कुछ उमलैंड अमलैंड थ्योरी जो है इसको अपन नगर प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं, जो आपका आंद्रे एलेक्स ने दिया था, तो उसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अमलैंड थ्योरी कैसे काम करती है, ठीक है। ये आपको मेनली यहाँ पे देखना है, इसके अलावा ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और इतने में आपका जो है रीजनल प्लानिंग वाला टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें एक बार में यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फिर आप क्या है इसको वीडियो को रोक के स्टडी करें, तो वीडियो अपना काफ़ी बड़ा होगा नहीं, ठीक है। यदि मैं इसको हर चीज़ को बोलने लगूंगा तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और आप एक बार तो सुनेंगे दोबारा आपके लिए वो इफिशियंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे मुझे भी ऐसा लगता है। ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, मेन मेन पॉइंट मैं आपको अभी बता दूंगा, तो आप वो बस ध्यान, तो एक घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि अपन अपने 20 टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, यदि 20 घंटे की वीडियो बनाएंगे तो हमें एक दिन पूरा लगेगा इसको रिवाइज करने में, इसलिए उसी बेसिस पर अपन इस पर काम करेंगे।
सामने जो दिख रहा है उसमें आप देखिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अब जैसे कि आपको जब मैं सामने बता रहा हूँ तो मैंने मेरा टॉपिक जो है रिवाइज कर लिया है, ठीक है, तो मुझे अप्रोक्स इसमें जो है 5 मिनट का टाइम लगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो 10 मिनट लग सकता है, लेकिन बाद में फिर जब रिवाइज करेंगे इसको सेम चीज़ आप याद से रखेंगे। तो ये PDF आप चाहें तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा, कुछ नहीं करें, इसको डाउनलोड करें, इसको हाईलाइट कर लें एक बार, मेन मेन लाइनें जो है जिस तरह मैंने मेरे नोट्स में कर रखी है, तो इस तरह से आपको याद क्या रखना है इसमें मेन मेन पॉइंट्स, ठीक है, क्या क्या है कमांड। अब जब इस तरह से रीजन प्लानिंग की हम बात करेंगे ना, देखिए आप UPSC का पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, कोई एग्जाम का BA वगैरह या आपका MA का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं कि आप कुछ भी लिखेंगे। यहाँ पे आपकी जो पॉइंट्स जो हैं वो जब वैल्यू वाले नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको इसमें बात करना है कमांड एरिया प्लान हो, कमांड एरिया डेवलपमेंट हो, चाहे आपका बैकवर्ड एरिया हो, चाहे आपका ट्राइबल एरिया हो, चाहे आपका जो है आइलैंड प्लानिंग की वाली बात हो, चाहे आपका बैकवर्ड रीजन जो है बैकवर्ड प्लान एरिया प्लानिंग जो है उसकी बात हो, कुछ भी हो, आपको बस पता क्या होना चाहिए कि उसका मेन फीचर क्या थे, उसमें पोटेंशियल क्यों यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर प्लान जो है ना यूटिलाइज ठीक से नहीं हो पाए, ठीक है, इसका मेथड क्या था, इसके बाद में ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इसमें कुछ नीचे पॉइंट है, जैसे इतना है आप यहाँ से इसको रख लें, ठीक है, आप PDF इसकी मांगी मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो 1 घंटे में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को, पूरे सब्जेक्ट रीजनल प्लानिंग को, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ से अब यहाँ पे आपको देखना है, सामने आपको दिख रहा है 74, ठीक है, नीचे वाला एग्जाम्पल है इसमें एक पर्टिकुलर उसकी बात है, बाकी और इसमें अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें UPSC का 2014 का एक क्वेश्चन है लास्ट में मेंशन है, तो ये आते हुए आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर PDF मांग लें तो मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको। यहाँ पे आप देख लें आप लॉन्च ये लॉन्च हुआ 1974 में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या था इसका काम, कमांड एरिया का मेनली काम था इरिगेशन पोटेंशियल जो है हमारा और हमारा एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है इरिगेशन के लिए वाटर का, इसमें जो गैप है उसको फिल करना था, उसको रिड्यूस करना था, ठीक है, उसको ब्रिज करना था, ये काम था। और इसके साथ में आपका सोशो इकोनॉमिक जो आपका कंडीशन है फार्मर्स की उसको इम्प्रूव करना था। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट है ना ये मेनली फार्मर्स के लिए था, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी प्लान है ना वो सब तरह का, एक आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम करने का था, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का था, इकोनॉमिक ग्रोथ का था, सब था, लेकिन कमांड एरिया डेवलपमेंट मेनली आपका फार्मर्स के लिए था, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और जो आपका इरीगेशन का सिस्टम है उसके लिए काम था। तो कमांड एरिया आपके वाटर बेसिन जो है उससे दूसरी जगह पानी पहुँचाना था, उसको एज ए कमांड फॉर्म में उसमें वर्क करना था। इरीगेशन क्यों यूटिलाइज नहीं हुआ, कारण लिखे हुए यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में डिले था, जो फार्मर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। इसके साथ इसके कंपोनेंट क्या क्या थे, तो मेन कंपोनेंट आपको दिख रहा है कि फील्ड चैनल यहाँ बनाना था, कुछ सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न था, तो इसको आप यहाँ से रिवाइज कर लें नोट से जो आपको मैंने शेयर कर दिए हैं, आपको चाहिए आप मांग लें फिर से। अब मैं ये चीज़ रिवाइज आपको अलग से नहीं करवा पाऊंगा, तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लें फिर पढ़ लें, फिर इसमें आपको देखना है ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि वाटर सप्लाई जो थी रिलायबल नहीं थी और यहाँ पे इनफिशेंसी थी टेक्नोलॉजी की, फार्मर का पार्टिसिपेशन था उसकी कमी थी, इरिगेशन जो थी वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में ही काफ़ी जो है वाटर जो है आपका इवेपोरेट वहाँ पे हो जाता था। एग्जांपल कौन कौन से है आपका, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया वाला याद रखें आप, और ये आपका 1958 में स्टार्ट हुआ था और हरी के बैराज पंजाब से ये रीजन में पानी आया। 70:30 का इसमें सिस्टम चला था, जिसमें 30% आपका लिफ्ट सिस्टम था, 70% आपका फ्लो सिस्टम था, ठीक है, 2 स्टेजेस में इम्प्लीमेंट हुआ। एक तो आपका 1960s में हुआ जिसके अपर पार्ट में, जिसमें आपका है आपका हरमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, कुछ ऐसा है उसमें है, गांधीनगर नहीं है, ये गंगानगर है, हरमानगढ़ और कुछ बीकानेर वाला पार्ट था, और सेकंड स्टेज में आपका बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर ये नीचे वाले जो पार्ट है वो था, ठीक है। लगभग 90.60, मतलब आप ऐसा याद रखें 20 लाख स्क्वायर हेक्टेयर जो है वो यहाँ पे लगभग ये रीजन जो है यहाँ पे इसको इरीगेटेड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख रहा है 2014 का, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड एवेल्यूएट इट्स सक्सेस विथ रेफरेंस टू इंदिरा गांधी कैनाल, तो आपको यहाँ पे चीज़ देख, ठीक है, तो इससे इरीगेशन में वहाँ पे फ़ायदा हुआ, ठीक है, उसको थोड़ा सा लिख देना है कि वहाँ पे आपका जो क्यूमिन सीड वगैरह है और पल्सेस वगैरह है इसका प्रोडक्शन होने लगा, तो ये चीज़ें आपकी पॉइंट प्लस लिख देंगे। इरीगेटेड रीजन जो है वो बढ़ गया, डेजर्टिफिकेशन को कर्व करने में वहाँ पर हेल्प मिली, तो कुछ ऐसे पॉइंट जोड़ तोड़ के आप वहाँ पर बना सकते हैं। अगला है आपका हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब HADP, ये भी आपका वही 1970 के आसपास का जो प्रोग्राम है, इसमें क्या करना है आपको, ये वही 74 फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसको आप याद रखना, ज़्यादातर में आप ये लिख देंगे आपका काम चल जाएगा, अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मेन काम क्या था, हिल एरिया में इसको डेवलपमेंट करना था, हिल एरिया की बात होगी तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो जाएगा और ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा। अब ये जो है ना ये वाला रीजन है, ये तो हिल है ही नहीं, तो यहाँ पे बात कर लीजिए वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, केरल वाला रीजन है, ये तमिलनाडु कुछ हिल्स है,
ये आपको अच्छे से पता है, अभी इनका नाम बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। इसको सामने इसको एक बार रीड कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिल्स का नाम बता देना, मेके हिल्स वगैरह, साउथ की आपकी जो है केरला वगैरह की, वेस्टर्न घाट की हिल्स है उनका नाम बता देना, और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का नाम रख देना वहाँ पे, स्टेट के नाम बता देना, उत्तराखंड की कुछ हिल्स है ये आपको सामने दिख रहा है, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग हिल्स है, इनके लिए ये प्लान चला था, मेथपुरी हिल्स यहाँ पे चला था। हाँ, दो चीज़ याद रखना आपको, हिल लेवल कमेटी 1972 में बनी, और जो चीज़ें हैं यहाँ पे 1981 में आपका कमेटी बनी जिसमें आपका बैकवर्ड एरियाज जो थे उसके डेवलपमेंट के लिए बात की गई, तो वहाँ पे इस जो हिल एरिया थे उनको भी शामिल वहाँ पे कर दिए गए बैकवर्ड एरिया पे। तो आपको बताऊंगा मैं आगे जाके बैकवर्ड एरिया प्लानिंग की जब बात आएगी, तो आपका हिल एरिया डेवलपमेंट जो है इन सबको वहाँ पे तीन चीज़ों को मिला के वहाँ पे बैकवर्ड एरिया वाला रीजन जो है इसको प्रोग्राम को बनाते हैं। क्राइटेरिया दो थे, एरिया की जो हाइट है वो 600 मीटर अबव सी लेवल होनी चाहिए थी, और वो जो है आपका TSP एरिया ट्राइबल सब प्लान जो है इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये दो चीज़ जो है इससे क्राइटेरिया इसका बनाया गया था। प्रॉब्लम क्या क्या है, सिंपल सी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप इसको पढ़ें एक बार समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम थी। नेचुरल, इन्वायरमेंटल और ट्रेडिशनल लैंड, इसका शॉर्टेज और बेसिक इंफ्रा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे यहाँ से सीधा पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका सामने रखा हुआ है, स्ट्रेटजी क्या थी वो यहाँ से आप देख लीजिए, स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो क्या क्या थी वो यहाँ से आप देख लीजिए, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता दूँ कुछ रीजन आप याद रखना, वो है आपका कोडाई कनाल जो है, कुर्ग जो है ये तमिलनाडु की रीजन है, मुन्नेर जो है ये आपका केरला का है, यहाँ पे टी गार्डन्स वगैरह हैं, तो ये आपका टूरिज्म के लिए ये जगह याद रखना है। ऊटी है तमिलनाडु में, ऊटी है तमिलनाडु, कुर्ग है कर्नाटका, कुन्नूर है तमिलनाडु, तो ऐसे कुछ जगह आप याद रखें, काम आपका चल जाएगा। इसके अलावा मैप बना देना, ये चार चीज़ें वहाँ पर डाल देना, साउथ मेके हिल्स, दार्जिलिंग आपका उधर डाल देना, हिमाचल का हिमाचल, उत्तराखंड पर डाल देना, मैप भरा सा हो जाएगा, ठीक है। और 200 वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर एडजस्ट ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। फिर गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन डाल देना, हैजर्ड जोनेशन वाला कमी है तो उसको डाल देना, सेकंड ARC की रिकमेंडेशन डाल देना, काफ़ी भारी आंसर हो जाएगा आपका, और वो इतना ही जरूरत होता है कि अपने को टाइम भी मैनेज करना होता है। एट्थ फाइव ईयर प्लान जो था यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए ताकि डेवलप किया जा सकते जा सके इंफ्रा को हिली एरियाज में, ठीक है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इंफ्रा डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक स्लोप एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की स्टडी, लोकल नॉलेज को वहाँ पे यूज़ करना है, मोर रोजगार वगैरह जो है एम्प्लॉयमेंट दे सकें, और कैपेसिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेसिक है सब चीज़ में, इसको आप देख सकते हैं, काम चल जाएगा आपका, वो भी फॉरवर्ड की फॉर्म में ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है, किस तरह से इसके ऊपर ये वर्क करता है देख लीजिए। 2019 का क्वेश्चन था कि हाउ वाटर मैनेजमेंट हैज़ बिकम ए टूल इन द इरिडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। तो कहीं आए नहीं है, GS 1 में आप लिख रहे हैं तो भी पॉवर्टी में आप इसको याद रख सकते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट ने काम किया, ठीक है। पॉवर्टी है और माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, ठीक है, इरीगेशन है, एग्रीकल्चर है, सब जगह आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका रीजनल GS 1 का GS 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने रीजनल प्लानिंग को वहाँ पे ऐड नहीं किया तो आपके ऑप्शनल पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, इसको आप ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह से काम करेगा, अब इसमें आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो वहाँ से आपको ये चीज़ का पता चल जाएगा। सो अब आपने यहाँ से देख लिया वाटरसाइड मैनेजमेंट, और इसके आगे का जो पॉइंट्स है वो मैंने रिवाइज कर लिए हैं, आपको रिवाइज करना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, पहले इसको पढ़ लीजिए देन इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इसमें हैंड रिटन नोट्स है, आप यहाँ से इसको इजीली समझ सकते हैं, 2019 का क्वेश्चन था और इसको कैसे पॉवर्टी इरिडिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। इसमें आपको वैल्यू एडिशन जो करना है, जो करंट की स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की, जैसे PM स्वामित्व है, ठीक है, और आपका जल जीवन मिशन है, ऐसे कुछ पॉइंट्स को आप ऐड कर देंगे ना, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे आपका ज्योग्राफी प्लस आपका करंट से मिक्स जो क्वेश्चन आता है ना उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, और वाटरसाइड मैनेजमेंट के दो तरीके हैं, नैरो सेंस में, ब्रॉड सेंस में, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको मुश्किल से 5 मिनट का रीडिंग टाइम लगेगा इसमें, तो ये आपको मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये पेज पर, तो इम्पोर्टेंस इसका पता चल जाएगा आपको, और स्टेप्स क्या क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट के वो भी आपको पता चलेगा, कि बाउंड्री डिलीनिएट करना है और उसके बाद में मैपिंग करना है। और ध्यान रखना जब ऑप्शनल का आंसर जो आप लिख रहे हैं तो आपको GIS है, रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, ये कुछ डेटा जो है ना जिसपे जिसको बोलते हैं आपका सैटेलाइट डेटा जो है, रिमोट सेंसिंग वाले जो डेटा है ये यूज़ करना जरूरी हो जाता है ताकि आपका आंसर जो है थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाए वहाँ पे, ठीक है। 1970s के बाद में इसके कुछ दो पार्ट थे, आपका जो है ड्रॉट प्रोट एरिया डेवलपमेंट प्लान और आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा,
स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ लें या कंपाइल कर लें आप, देन इसको रिवाइज कर लें आप फिर से। इसके कुछ मेन कंपोनेंट थे जैसे कंजर्वेशन है, वेस्टलैंड का, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो ध्यान रखें वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये रूरल एरिया के पॉवर्टी एलिवेशन में काम किस तरह आएगा वो भी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, वाटरशेड का जो डेवलपमेंट है, वेस्ट लैंड जो है इसकी कंजर्वेशन में है, और नॉन फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है उसके प्रमोशन में, ठीक है। तो आपका जो पीएम मत्स्य संपदा योजना वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो इस ऐसी स्कीम को यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल डाल के लिखते हैं तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। इम्पोर्टेंट आपका जो है वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम थे, हरियाली था, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का था वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का था, और एक अरावली पानी संसद नाम से है, वाटर संसद पार्लियामेंट नाम से है, ये आपका राजस्थान का है, ठीक है। ये सेकेंड है आपका 2014 में 150 वर्ड का क्वेश्चन आया था, यहाँ से आप देख लें, कमेंट करना था कि क्राइटेरिया क्या है फॉर आइडेंटिफाइंग ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया। अब ड्रॉट प्रोन एरिया जो है सेकेंड ईयर से रिकमेंडेशन से देखें ड्रॉट प्रोन एरिया का कितना परसेंटेज है आपको वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। और ड्रॉट प्रोन जो आपका एरिया है जिसमें आपका डेजर्ट एरिया प्लस एक्स्ट्रा जो आता है ना वो उसको बोलते हैं, तो डेजर्ट के साथ में डेजर्ट प्लस डेजर्ट के अलावा जो आपका प्लेटू रीजन है वो ड्रॉट प्रोन में आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा वहाँ से पता होना चाहिए। तो लगभग आपका शायद 80 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 18 मिलियन हेक्टेयर, ये कुछ रीजन है जो आपका ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन कुछ पॉइंट है कि कितना ड्रॉट प्रोन है, कितना फ्लड प्रोन है, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको 4 पॉइंट मैं आपको बोल दूंगा सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन पे, तो आपको ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ को देखने में, ठीक है, या फिर आप खुद से भी देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख लेना, 75% एनुअल रेनफॉल वाला जो क्राइटेरिया है ये ध्यान रखना। फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आपके रखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका लेना है तो, या फिर इसको नोट कर लें। और आपका है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्लान आपका वही 4th 5 ईयर प्लान, क्योंकि 5th वाला जो था आपका वो 1975 में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपसे इससे 1 साल पहले ध्यान रखना, ये 5th नहीं होगा यहाँ पे, इसमें 4th है, बाकी जो मोस्ट ऑफ प्लान है ना वो 5th में हो जाता है स्टार्ट। मेजर ऑब्जेक्टिव्स के आपके सामने रखे हैं, स्टडीज के सामने आपके रखी है, इसको आप रिवाइज करें फटाक से, वही 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। स्टडीज आपके सामने, इसको थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ कि आपको एक लार्ज व्यू इसका मिल सके ना, यहाँ सब देखिए इसको। फिर इसमें किस तरह से फंड को यूज़ करना था ना ये भी दे रखा है यहाँ पे, कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए 30% पैसा यूज़ करना था इसका, और 25% आपका फॉरेस्ट्री और आपका जो है ग्रासलैंड जो है उसको डेवलप करने के लिए पैसा यूज़ करना था, फंड यूटिलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ में आपका वाटर कंजर्वेशन है उसमें भी 20% यूज़ करना, बाकी पैसा जो है अदर चीज़ें जो है उसमें डेवलपमेंट में खर्च करना है। फिर आपका हनुमान राव कमेटी थी 1995-96 की, ठीक है, तो इसने कुछ सजेशन दिए थे, इसकी रिकमेंडेशन थी कि भाई कुछ नए ब्लॉक बनाओ, कुछ का ट्रांसफर कर दो ड्रॉट प्रोन एरिया से आपका डेजर्ट डेवलपमेंट, डेजर्ट एरिया जो आपका डेवलपमेंट है उसके लिए। फिर 2002 में इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसमें आप देख लीजिए कि ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, और आपका है जो है आपका डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्लान, और ये IWDP जो है इन तीनों को मिला के आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बना दिया गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हनुमान राव कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन में ब्लॉक वाला बनाना, उसको ट्रांसफर करना था, जबकि इसी रिकमेंडेशन के बाद में 2000 में इन तीनों को मिला के IWMP इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया। अब यहाँ पे आपका ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट है, इसको रोकिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, आधा पेज ये है, आधा पेज जो है मैं अभी नीचे इसको शो कर दूंगा आपके सामने। तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट पे देख लीजिए, सभी स्टेट में नहीं मिलती आपको पता है, पंजाब वाला जो रीजन है ये, और आपका जो हरियाणा वाला रीजन है ये, इसमें नहीं मिलता। फिर आपका दिल्ली है यहाँ पे नहीं मिलता, फिर चंडीगढ़ में भी ये नहीं मिलती है, मतलब ट्राइब जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और दूसरा जो है पौंडीचेरी जो है यहाँ पे भी नहीं। तो ये कुछ रीजन आपको ध्यान रखना है, पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ और पौंडीचेरी। इसके बाद में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सिंपल है, यूनियन बजट 23-24 में आपका EMRS पे खर्चा हुआ है, इसके बाद में आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, इसके साथ में सिकल सेल एनीमिया चल रहा है, तो ट्राइबल एरिया में मेनली काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम जो है ना ये आपके ट्राइबल्स पे ही है, तो वहाँ से आप इनको लिंक कर लें, बाकी बेसिक पॉइंट आप यहाँ से लिख दें तो आराम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपका जो मिनिस्ट्री जो बनी आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है 1999 में ये इसकी मिनिस्ट्री बनी, इसके लिए कुछ काम थे तो उसको बोलते हैं 74-78 5th 5-year plan जो है आपका, वहाँ पे वेलफेयर के लिए इसका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे चलाए गए, कुछ इस पर कमिटीज़ थी, तो उसकी मैं आपको रिकमेंडेशन बताऊंगा कि रिकमेंडेशन उसकी क्या क्या थी, ठीक है। और इसके मेजर ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, एजुकेशन स्टेटस, एक्सप्लोटेशन से इसको बचाना, पॉवर्टी घटाना, देन बेसिक इंफ्रा जो है उसको इम्प्रूव करना।
एक्टिविटीज़ क्या क्या थी सामने आपको लिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, तो आप जो सोचेंगे ना दैट इज़ पॉसिबल, तो आप वहाँ पे लिखते हैं, बस स्कीम का नाम जरूर लिखते हैं। इवोल्यूशन में जो क्या है, इवोल्यूशन आप देख लीजिए सामने, इवोल्यूशन में इसकी ये आया कि एक केस स्टडी दे रखी है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे पहले 1971 मतलब आप ध्यान रखें बांग्लादेश वाले वॉर के टाइम पे लगभग 2% यहाँ पे लिटरेसी रेट थी फीमेल की, फीमेल की ध्यान रखें टोटली फीमेल की लिटरेसी इतनी थी 2011 में 65% हो, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। बाकी तो आप सीधा सिंपल लिख देना, इनइक्वालिटी घटी, लिटरेसी गैप घटा, क्रॉप कैश क्रॉप का जो है एरिया वो बढ़ा, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर एक ध्यान रखना है, जब आपको 1999 ट्राइबल एरिया के लिए मिनिस्ट्री अलग से बनी, इससे लगभग आप देख लीजिए 11 ईयर एगो आपका ट्राइफेड बना था, पैसा एक्ट 1996 बना था, इसके 10 साल बाद में FRA लगा था। तो पैसा वाला अपन भूल जाते हैं कई बार, पैसा एक्ट को 1995 याद रख लेते हैं या 97 पहुंच जाते हैं, इसको याद रखने के तरीके ये है, FRA 2006 याद रहता है, इससे 10 साल जस्ट पहले पैसा एक्ट लाए थे, ठीक है। तो पंचायत का एक्सटेंशन किया था आपके शेड्यूल एरिया में, आपका शेड्यूल 5 वाले एरिया जो थे वहाँ पे, ये हमारा सबको पता ही है। फिर यहाँ पे एक इसको और थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, आपको यहाँ पे देखिएगा ये MRS है, वनधन विकास केंद्र है, वन बंधु कल्याण योजना है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन 2047 तक आपको एलिमिनेट करना है, और आपका 17 लगभग डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, 17 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 275 प्लस कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और ये है आपका कुछ, आप ध्यान रखना एक नीति आयोग की जो नीति आयोग की जो आपका गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती है स्टेट की, ठीक है, तो नीति आयोग की हैंडबुक है उसमें कुछ स्कीम्स हैं उनको आप ध्यान रखें, तो वहाँ से आप पॉइंट कुछ याद रख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो जैसे कैच नाम से प्रोग्राम है सिक्किम का, वहाँ पे आपका डिजीज कंट्रोल के लिए है एक होलिस्टिक प्लानिंग है, मो मासेरी नाम से उड़ीसा का प्लान है जहाँ पे आपका मलेरिया को एक कर्व करने के लिए वहाँ पे प्रोग्राम है मो मासेरी नाम से, ठीक है। अवाड़ी स्कीम है आपका पौंडीचेरी की वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और पंजाब का 24/7 वाटर के लिए कुछ काम है, तो ऐसे कुछ उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टेट्स की नीति आयोग की हैंडबुक में, तो वहाँ से आप थोड़ा सा याद रखें, मैंने बोला इतनी भी याद रहेगी तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। और ये आपको सामने लिखा हुआ है 5 ईयर 5 ईयर प्लान, CSS था मतलब डॉलर को एस पे यदि काट रखा होता है तो सेंट्रल सेक्टर नहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, यदि CSS लिखा हुआ है तो सेंट्रल सेक्टर है, यदि CSS लिखा हुआ है इस तरीके से कटा हुआ बीच में से देन इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। इम्प्लॉयमेंट आप यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्टेट आपके सामने रखी हुई है कितने सारे इसमें स्टेक होल्डर्स थे वो सब यहाँ पे रखा हुआ है, SC ST वगैरह सब, बोलने की इसमें जरूरत है नहीं। टारगेटेड एरिया आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है, वीडियो को आपको रोकना है, पढ़ना है, आगे चलना, तो आपको 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने भी इस तरह किया है इसको, आप भी ऐसे कर सकते हैं, और बस PYQ मैंने इसके साथ में स्टिक कर दिए हैं, तो आपको अलग से ढूंढने की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मॉड जो करंट की जो स्कीम्स वगैरह जो है उनको जरूर याद रखें, तभी आपका जो आंसर जो है वो आपका बेस्ट फिट बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अगला है आपका, यहाँ पे देख लीजिए ये है, डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ ID जो आपका है इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज, इसमें आपका देख लीजिए अरेबियन सी वाले बंगाल वाले हैं 1382 कुछ ऐसे है, मतलब ध्यान रखना आप 1300 प्लस कर देना आपको, 1300 प्लस कुछ ऐसे ऑफशोर आइडेंटिफाइड आइलैंड है जिनका स्ट्रेटजिक या फिर टूरिज्म के लिए कुछ पर्पज़ है, ठीक है। फिर आपके ध्यान रखना कि 1 घंटे की दूरी पर है मालाबार कोस्ट से अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड, और आपका जो है 3.5 एयर आवर्स दूर है आपका जो है अंडमान निकोबार किससे, चेन्नई से या कोलकाता से, दोनों से बराबर दूरी पे, तो ये आप ध्यान रखना इधर 3.5 एयर आवर्स है और ये आपका 1 आवर है मालाबार कोस्ट से, ठीक है। एक मैप बना देना, मैप से काम चल जाएगा, इंटीग्रेटेड आपका आइलैंड डेवलपमेंट एरिया के लिए आपका ध्यान रखना कुछ इतना टूरिस्ट आए 5 लाख के आसपास, डेटा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, 5 से 10 लाख कुछ भी लिखेंगे चल जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ ही रहा है कोविड के बाद, ठीक है, कोविड के टाइम पे तो एक ग्राफ से बना देना कि पहले भी टूरिस्ट आ रहे थे फिर घट गए अभी बढ़ गए, तो इस तरह से ग्राफ बनाओगे ना तो चल जाएगा, ठीक है। और ये कुछ मैप बना देना, तो मैप भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मैप बनाओगे तो ये अंडमान निकोबार और ये आपका लक्षद्वीप वाले कुछ आइलैंड बना देंगे, तो कुछ दो आइलैंड याद रख देना, इधर तो आपको पता ही है कार निकोबार और ये आपका जो है ग्रेट लिटिल और ये वाले जो निकोबार है अंडमान निकोबार है, जबकि इधर मिनिकॉय और आपका है यहाँ पे जैसे है एंड्रोथ है और चेरियाम है, सुहेली है, अमिनी आइलैंड है, अगेती आइलैंड है, इनकी कुछ 2-4 नाम लिख देना उससे काम चल जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है तो आपको यहाँ पे नीचे देख लीजिए, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिक इंफ्रा कनेक्टिविटी और आपका जो है नेविगेशन, आपका जो है न्यू इनिशिएटिव जो है ग्रीन एनर्जी और फिशरीज है, जॉब क्रिएशन है, ऐसी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और दूसरा
स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना, तो आपको इंडियन ओशन रीजन जो है उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस रह सकता है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल वगैरह जो है वहाँ से थोड़ा सा एनसीईआरटी से वर्ड डालिए, यहाँ पे पॉइंट काम आ जाएगा। फिर इसके आगे देखिए बैकवर्ड एरिया के लिए कुछ प्लानिंग है। इसके लिए 2011 में क्वेश्चन पूछे कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या है बैकवर्ड एरिया प्लानिंग के लिए, उसी टाइम पूछा कि आइडेंटिफाई करो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया कौन से हैं। फिर आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा कि बैकवर्ड रीजन जो है उनके ग्रांट फंड प्रोग्राम जो है उस पर कैसे काम चल रहा है, और क्योंकि ये देखिए अब कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह थी उस टाइम के, ये चल रहा था उस टाइम पर, अभी ये चीज़ें नहीं बनती हैं, वे लेटेस्ट जो गवर्नमेंट कर रही है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन पूछा वायबिलिटी ऑफ आपका जो है कुछ एलिमेंट थे इसके, विलेज डेवलपमेंट क्लस्टर डेवलपमेंट कुछ ऐसा कुछ काम था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैकवर्ड एरिया वाला जो प्रोग्राम है ना उस पर ध्यान रखना, ये फिफ्थ वाले में चला था डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्लान, और आपका जो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान है, कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम थे तीन, उनको बना के यहाँ पे बनाया गया। तो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्लान, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्लान, आपका हिल एरिया, तीनों को बना के आपका फिफ्थ वाले प्लान में बैकवर्ड एरिया के लिए काम किया गया। प्लानिंग कमीशन वाला कुछ काम था यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे 1971 की पांडे कमेटी की रिकमेंडेशन थी किस चीज़ के लिए किस तरह से आइडेंटिफाई करना है बैकवर्ड एरिया को। तो इसने टेक्नो इंडस्ट्री पैरामीटर कुछ डेवलप किए कि इंडस्ट्री है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, ऐसे कुछ सजेशन इसने दिए, और फिर उसने बताया कि इस तरह से हम जो है बैकवर्ड एरिया को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देखिए, फिजिकल इंसेंटिव देखिए मिनिमाइज कर सकते हैं वहाँ पे यदि रीजनल इंबैलेंसेस बने हुए। तो फिर आपका नेशनल कमीशन था 1981 का, इसने कुछ काम किया, इसने कहा बोले कैसे कैसे जो है हिल एरिया जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं बनाने में। तो ये 600 मीटर वाला जो अपन ने हिल एरिया डेवलपमेंट प्लान बात करी थी ना, वो रिकमेंडेशन नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया वाले की थी, ये आपको पता चल गया। 1997 का प्लानिंग कमीशन किस काम कर रहा था, इसने 100 बैकवर्ड एरिया की बात करी। नीति आयोग की जो स्ट्रेटेजी थी आपको पता ही है, 3 ईयर एक्शन प्लान है इसका, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था उसने 1997 में पर कैपिटा इनकम, परसेंटेज ऑफ बीपीएल पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इंफ्रा की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे इस कुछ काम वहाँ पे किए थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिली। अब इसके बाद में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडिया का रीजनल प्लानिंग में, यहाँ पे देख लीजिए दो तरह की प्लानिंग थी, सेक्टोरल और एक रीजनल प्लान। सेक्टोरल में पर्टिकुलर सेक्टर की बात की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और कुछ ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा, रीजनल में आपका रीजनल बेसिस पे किया जाता है। 8th 5-year प्लान था, उसने स्पेसिफिक प्रोग्राम कुछ चलाए, जैसे कि हिल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट काम किया, ट्राइबल के लिए काम किया, बैकवर्ड एरिया के लिए काम किया। तो फिफ्थ फाइव प्लान से जो काम चल रहे थे उनको और बेहतर किया गया, तो हिल एरिया ये वाली चीज़ें ना ये बात पे है। इससे पहले जो चल रही थी फिफ्थ 5-year प्लान में आपका ड्रॉट प्रोन और आपका डेजर्ट एरिया और आपका वो जो चीज़ें है ना वो वहाँ पे चल रहा था, वो रास्ता को तुमने देखा, बैकवर्ड एरिया वाले जो है वो उस टाइप पर चल रहे थे। 8th में ये वाली चीज़ आ जाती है, और जो बैकवर्ड एरिया वगैरह प्लान है ना उनको और इफिशियंसी के साथ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, बस 5 ईयर वाला टाइम है, 5 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म है, उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। और इसके पैटर्न है आपका सेंट्रलाइज्ड है, पंचायती राज है, और आपका मल्टी लेवल प्लानिंग है, मल्टी लेयर जो लेवल प्लानिंग है, ये तीन इसकी चीज़ें हैं। ठीक है, टॉप टू डाउन और आपका बॉटम अप अप्रोच, दो तरह की अप्रोच होती है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको और साइड करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप इज इसके स्टेप दे रखे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है रीजन का, देन रिसोर्सेज को वहाँ पे क्या करना है आपको, फिर आइडेंटिफाई करना है, फिर पॉलिसी स्कीम बनानी है, देन आपको इन्वायरमेंटल जो आपकी एक्सेसिबिलिटी है, इन्वायरमेंटल आपका कॉन्सिक्वेंसेज है उनको वहाँ पे असेस करना है, मिड ईयर रिव्यू करना है और उसका फीडबैक देना है। तो रिव्यू, फीडबैक और फिर आपसे यही लूप दोबारा, यही लूप जो है दोबारा चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है मल्टी लेयर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया। इसमें क्या है देखिए, वही डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आपकी कब से स्टार्ट हुई, फर्स्ट और सेकेंड में आपका जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग चल रही थी, इसको बाद में चेंज करना पड़ा 1970s के बाद से। तो जितने भी प्रोग्राम जो आ रहे हैं ना ये सब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए, जैसे ट्राइबल एरिया है, डेवलपमेंट ड्रॉट प्रोन है, डेजर्ट एरिया है, ये सब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का ही पार्ट है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप यदि कहें कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग आपका 73rd और 74th के बाद में आई, CAA के कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में आई, तो इसको ध्यान रखना, इससे पहले भी काम चल ही रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे कुछ एग्जाम डाल दिया। फिर मेहता कमेटी है, इसने कुछ बॉटम अप्रोच दिया, और आपका जो बलवंत राय मेहता वाली कमेटी थी ना उसने 1957 में काम किया था, 3 लेयर स्ट्रक्चर उसने बताया था। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी थी, उसने भी कुछ बताया था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे देख लो, किस बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है रीजन को, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, पॉलिटिकल, लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या था आपको पता है, 70 आपका रूरल लोकल बॉडी में 30 फंक्शंस,
और अर्बन लोकल बॉडी के यहाँ पे 18 फंक्शन है, ये आपको शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आप डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए काम करते हैं जियोग्राफिकली और कल्चरली। 1 fit for all अप्रोच काम नहीं करी तो हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ा, डिसेंट्रलाइज के ये काम थे, ठीक है, डिस्पैरिटी घटाना वगैरह सब बेसिक चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, करप्शन घटाना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना और ट्रांसपेरेंसी सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे लाना था। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के कंपोनेंट देख सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट थे, फाइनेंशियल थे, पॉलिटिकल थे और एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ये सब आप डाल सकते हैं। 4 कंपोनेंट जरूर याद रखना डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के। इसके बाद में 2018 का क्वेश्चन था, उसने पूछा एग्जामिन द रोल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। यहाँ पे देख लीजिए CDP चला सबसे पहले और फर्स्ट 2-5 ईयर प्लान में। इसके एवेल्यूट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाएगी, उसने फिर आपको 3 लेयर प्लानिंग के लिए बोला, उसने और कुछ बोला कि भाई इतनी सारी खामियां हैं जो आपको सामने दिख रही है, इनको सुधारने की जरूरत है। इसके बाद में फिर आपका वही 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है, 2 टीयर बोलता है, एलन सिंह भी बोलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होना चाहिए और 3 टीयर होना चाहिए। तो 1993 में आपके ये दोनों अमेंडमेंट आते हैं, टॉपिक्स बढ़ जाते हैं और 3 लेयर आ जाती है यहाँ पे, ग्राम सभा, ब्लॉक और आपका डिस्ट्रिक्ट। ये सब बेसिक चल रही होती है 11 शेड्यूल कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से सीधा डाउनलोड कीजिए या फिर आपका जो शेड्यूल वगैरह आपने पॉलिटी में जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे जाकर 11 शेड्यूल के बाद टॉपिक्स देख लीजिए, ईजिली चीज़ें अपनी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये रीजनल इम्बेलेंस डिस्पैरिटी जो टॉपिक्स शुरू के थे उसका यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे इम्बेलेंस होता है, कैसे डिस्पैरिटी में लिंक होता है, ठीक है। तो जब नॉट इक्वल स्प्रेड होता है डेवलपमेंट का स्पेशली और स्पेशली और सोशली, तो आपका रीजनल बैलेंस कहलाता है। 3 एस्पेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक, ह्यूमन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ से हो गई। इसके बाद में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे माइग्रेशन होता है, टेंशन होती है, सोशल कंफ्लिक्ट होता है, सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पैरेलल गवर्नमेंट भी वहाँ पे डेवलप होने लगती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में। यह था थोड़ा आपको गुरु घासीदास आपका जो है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वहाँ पे अभी पिछले सितंबर के आसपास वहाँ पे टोल कलेक्ट करने लगे थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे वहाँ पे, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ डेवलपमेंट डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए, तो ये सब आपके मेजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, टारगेट एरिया अप्रोच और टारगेट ग्रुप अप्रोच, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह की यहाँ पे टारगेट एरिया प्लानिंग यहाँ पे चलती है ताकि जो डिस्पैरिटी जो है उसको वहाँ पे हटाया जा सके। फिर ये कुछ क्वेश्चन था PYQ का 2020 का फर्स्ट की क्वेश्चन था, ये मैंने लिखा था, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बाद में इस पर ऐड भी किया कुछ पॉइंट, तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपन उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अपन इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ये क्वेश्चन आपका अर्बन ज्योग्राफी का मेनली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स जो है मैंने डिस्कस किए पसंद आए। रीजनल प्लानिंग इंडियन ज्योग्राफी की जो थी वो हमने ख़त्म कर ली है, और जो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी की रीजनल प्लानिंग है वो उसके भी टॉपिक्स यहाँ पे हमने खत्म कर लिए हैं। जो रहे आपके मॉडल्स जो है सिस्टम एनालिसिस सिस्टम अप्रोच वगैरह जो है जो आपके मॉडल्स में है उसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो ये कंप्लीट होलिस्टिक टॉपिक है वो कवर हो जाए, ठीक है। अमलैंड थ्योरी है, अर्बन ज्योग्राफी में हम बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें अर्बन वाला जो पार्ट है वहाँ पे हम देख लेंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी और अर्बन वाले में, तो वहाँ पे ये काम चीज़ें हो जाए, ठीक है। जिससे आपका GS1 में जो आपका अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी वाले जो कुछ क्वेश्चन है ना वो यहीं से कवर हो जाएंगे, तो उसको अपन वहाँ सब्जेक्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके, इसको आप एक बार 1 घंटे के अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो इस बार मेंस 2023 मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ और आप भी लिख रहे हैं, तो उसका आपके लिए बेनिफिशियल है। 2024 के लिए लिखेंगे तो भी ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए काफ़ी एफिशिएंट तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कुछ कमी रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।